और यूपी के साथ साथ बिहार में चाहे सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, कटिहार, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, अरवल, ये सब ठीक ठाक कर लिए हैं, जहाँ 10,000, 5,000, 8,000, 15,000 की भीड़ जुटती है और लोगों को एक भरोसा हुआ है कि यूपी में लालू और नीतीश जी से लोग उड़ गए हैं बिहार में। जिस तरह यूपी में अखिलेश जी और मायावती जी से उठ गए लोग, विकल्प मिला तो बीजेपी के साथ बड़ी संख्या में लोग खड़े हुए, तो वहां भी लोग विकल्प खोज रहे हैं। तो विकल्प के रूप में हम लोग वहां जो मोर्चा बना हुआ है, जो एनडीए बना है, और वो दिख रहा है उन लोगों को। आजकल आप दिग्गजों के गढ़ में ज्यादा रैलियां कर रहे हैं, जैसे इटावा में किया अपने काकराम मंदिर के बाद, सपा बसपा में भी भागदौड़ होगी। देखिए, किसी की रजिस्ट्री नहीं है, कोई जिला हो, कोई प्रदेश हो, किसी की रजिस्ट्री नहीं है। एक समय था कि कांग्रेस का शासन हुआ करता था, आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है? अब यूपी में 2 MLA उसके बचे हैं और कृपा से बचे हैं, है ना? तो एक समय था कि प्रदेश और देश में सरकार रहा, एक समय रहता था कि बसपा की तूती बाजती थी, आज उसके 1 MLA बचे हैं। समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार रहती थी, 17 के चुनाव को देखिए तो 47 लोग बच गए थे, किसी तरह जान बच गया। वो तो हम चले गए तो 2 चम्मच पिया दिए देसी घी गाड़ी का कि 111 पहुंच गए, हम हट गए हैं। आपने देखा ना, जिक्र किया ना, इटावा, वही बगल में मैनपुरी, बगल में एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बिजनौर, हर कार्यक्रम हर जिले में कर रहे हैं। कमोबेश कहीं 10,000, कहीं 8,000, कहीं 6,000, कहीं 5,000, कहीं 4,000 लोग क्यों जुट रहे हैं? इन लोगों से नाराज है। सपा के गुंडा राज से लोग तंग आ गए थे, सपा के साथ लोग जाना नहीं चाहते हैं, बसपा का, कांग्रेस का नाम लेना नहीं चाहते हैं, लोग अपने हक के लिए जागरूक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको 22 में उनका साथ दे करके उनको एक देसी घी की चम्मच पिला के तब एहसास हुआ कि इनके साथ लोग जाना नहीं चाह रहे, इनके गुंडा राज से त्रस्त थे लोग। महाराज, जब ने दिन घोषणा भाई समझौता करे, वोटर हमार हमसे कहे कहो नेता तो है मरदवा, यह पार्टी मिले। वोटर कहता था हम के यार देखो, अगर हमारे साथ हो तो चलो लड़ाई, एक साल लड़ा जाए। कभी कभी होता है कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में हिलना पड़ता है ना, तो चलो एक बार देखा जाए, चले गए। अनुभव कैसा रहा? अनुभव तो इमली से भी खट्टा था। दुनिया को धोखा दिया, हमको जब दे दिया, ये बोलते हैं ना सपाई सब कि ओम प्रकाश राजभर दल बदलू हैं, सपा वाले 8 बार दल बदले, 2-2 बार कांग्रेस, 2-2 बार बसपा, 2-2 बार आरजेडी, निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर, ये दल बदलू नहीं है, ये हरिश्चंद्र की औलाद है सब, ये दल बदलू नहीं कहे जा सकते। वो करते हैं तो रासलीला दिखती है, हम करते हैं गठबंधन तो कलेक्टर ढीला दिखता है। वो तो लग रहे हैं पीडीए गठबंधन वाले सबसे मजबूत, इंडिया गठबंधन के बाद ये अपना पीडीए बता रहे हैं कि पीडीए सबको हराएगा, और रैलियां भी कर रहे हैं। एक रैली बता दीजिए जहां किए हो, बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। आपने देखा ना इटावा, आपने देखा मैनपुरी कार्यक्रम, देखा हरदोई, देखिए आप हापुड़ का देख लीजिए, एटा का देख लीजिए, आपके फिरोजाबाद का देख लीजिए, उन्हीं के बेल्ट में 10 जिले सटे हुए देख लीजिए कार्यक्रम। प्रकाश राजभर ने जो कार्यक्रम किया है उसमें अकेले अपनी पार्टी का कार्यक्रम किया हूं, अपने पैसे से लोग आते हैं, हम पैसा नहीं देते सपा की तरह, पैसा ले लो, गाड़ी ले लो, भोजन ले लो। सपा बसपा कांग्रेस वाले एक वोटर का कीमत, एक पैकेट पूरी, 2 चम्मच सब्जी, एक लड्डू, ये तना कीमत समझ ले रहे ना सब, बस भेज देते रहना, बैठो जाओ। चुनाव आ जाता था 100-200 रुपया तो कुल मिला के 250। अरे देसी मुर्गा भी 1,000 के मिला ला, बकरी खरीदे जाए तो वो चला समय 7-8 हजार के मिला था,
गाय खरीदा जाता 20-25 हजार के, भैंस जाता 80-90 हजार, 60 हजार, 1-1 लाख के भैंस हो, ये आदमी का कीमत देना नहीं, 250 रुपया, मुर्गा से भी बदतर हम नहीं है। जनता को समझा रहे बता तुम्हारी कीमत मुर्गा से भी कम समझ लिए, सब समझा दो इनको कि हमारी भी कीमत है, वोट का पावर जो तुम्हारा पावर है वही हमारा पावर है, हम वोट का पावर दिखाएंगे इस बार। लोग गर्म हो रहे हैं। शिवपाल जी तो विधानसभा में जब आप बैठे थे कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं, कुछ दिन में फिर इधर आ जाएंगे, उधर कुछ नहीं होगा। तो अब शिवपाल जी के कहा कहीं, बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उनके ऊपर ऐसा ठप्पा लगा हुआ है कि न इधर के हो रहे हैं।